डार्क सीरीज देखना मुझे बहुत पसंद है। मतलब ये वाली डार्क की बात नहीं कर रहा हूँ, डार्क टोन पर चलने वाली सीरीज। तो अगर आपको भी डार्क टोन पर चलने वाली सीरीज पसंद है और कुछ ऐसा देखना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो हे गाइस, मेरा नाम आदित्य देशवाल, आप देख रहे हैं हॉलीवुड प्राइम और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया की 5 सबसे बेहतरीन लिमिटेड सीरीज के बारे में। तो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 5 पर आती है कैंडी। सीरीज 1980s के एक ऐसे इंसिडेंट पर बेस्ड है जिसने पूरे यूएसए को हिलाकर रख दिया था। बेटी गोर, जो कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ है, उसका मर्डर कर दिया जाता है कुल्हाड़ी से, वो भी बहुत ही बुरी तरह से। किसने मर्डर किया है, क्या रीजन था, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, ये सारे सवाल जानने के लिए आपको देखनी होगी ये अमेजिंग मिनी सीरीज कैंडी। बहुत ही ज्यादा डार्क और सीरियस टोन पर चलती है ये सीरीज और इसका जो इम्पैक्ट है वो और ज्यादा इसलिए फील होता है क्योंकि एक ट्रू स्टोरी है। जेसिका बेल कितनी अमेजिंग एक्ट्रेस है ये मैं द सिनर के सीजन 1 में देख चुका हूँ, लेकिन भाई इस सीरीज के अंदर उनकी परफॉर्मेंस ओ भाई लेजेंडरी। जब जब जेसिका बेल की कैरेक्टर कैंडी स्क्रीन पर होती थी मुझे अजीब सा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। इसे कहते हैं एक्टिंग। इसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंग्लिश में देख सकते हैं और फैमिली के साथ मत देखना। नंबर 4 पर आती है द पेशेंट। सैम एक सोशियोपैथ सीरियल किलर है जो छोटी छोटी बातों पे लोगों का मर्डर कर देता है। उसे पता है ये गलत है और वो इसे रोकना चाहता है, इसलिए वो एक थेरेपिस्ट को किडनैप करके अपने बेसमेंट में लॉक कर देता है कि भाई मुझे ठीक कर। अब मैं जानता हूँ सिचुएशन सुनने में थोड़ी फनी लग रही होगी, लेकिन ये काफी सीरियस सीरीज है। सीरीज के अंदर थेरेपिस्ट का रोल प्ले किया है स्टीव करेल ने, जिन्हें हम एज अ कॉमेडी एक्टर जानते हैं, लेकिन वो सीरियस रोल को भी कितना अच्छे से प्ले कर सकते हैं ये मैं ब्यूटीफुल बॉय मूवी के अंदर देख चुका हूँ। और इस सीरीज के अंदर भी भाई उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब, मजा आ गया। ओवरऑल ये एक मस्ट वॉच सीरीज है, फैमिली के साथ देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नंबर 3 पर है द अंडरग्राउंड रेल रोड। सीरीज लेकर जाती है आपको यूएस हिस्ट्री के एक ऐसे टाइम में जहां पर स्लेवरी हुआ करती थी। स्टोरी फॉलो करती है लीड कैरेक्टर कोरा को, जो आजाद होने के लिए प्लांटेशन से भाग निकलती है। लेकिन कोरा की ये हीरोइक जर्नी बहुत मुश्किल होने वाली है, एक के बाद एक मुसीबतें आती रहेंगी, साथ ही बहुत ही खतरनाक स्लेव कैचर उसके पीछे लगा हुआ है। कोरा की जो ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी आजाद होने की जर्नी है, इसे देखना एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस है। तो क्या कोरा अपनी आजादी तक पहुंच पाएगी या नहीं, ये तो आप सीरीज में देखना। अब यार सिर्फ कोरा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें ये सीरीज काफी डीपली एक्सप्लोर करती है, जिसकी वजह से हम उन कैरेक्टर्स के इमोशंस को भी बहुत ही अच्छे से फील कर पाते हैं। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, सब कुछ बहुत ही अमेजिंग है। बाकी इस सीरीज को आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं, 18 प्लस है, फैमिली के साथ मत देखना। नंबर 2 पर आती है मेड। एलेक्स, जो कि एक अब्यूजिव रिलेशनशिप से अपनी बेटी को लेकर निकल चुकी है, अपने और अपनी बेटी के लिए एक बेहतर लाइफ बनाना चाहती है, लेकिन ये चीज इतनी भी ज्यादा आसान नहीं होने वाली। सिंगल स्ट्रगलिंग मदर, बहुत सारे लोग उसका फायदा उठाना चाहेंगे, बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड ये सीरीज एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, क्या एलेक्स अपनी और अपनी बेटी के लिए एक अच्छी लाइफ बना पाएगी या नहीं, मस्ट वॉच सीरीज। अब ये सीरीज उतनी डार्क तो नहीं है, लेकिन एक काफी इमोशनल स्टोरी है, इसलिए इस वीडियो में इंक्लूड किया है। लेकिन यार अगर आप एक बार एलेक्स के कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट हो गए तो फिर ये सीरीज आपको इमोशनल कर ही देगी। बाकी एक दो किसिंग सीन्स के अलावा मुझे नहीं लगता इस सीरीज में ज्यादा कुछ है, तो तुम्हारी मर्जी। नंबर 1 पे आती है 8.9 IMDb रेटिंग के साथ When They See Us। और सिर्फ इस वीडियो के अंदर नहीं, बल्कि आप अगर दुनिया की सबसे बेस्ट लिमिटेड सीरीज को सर्च करोगे तो इस सीरीज का नाम आपको हर जगह मिल जाएगा। स्टोरी फॉलो करती है 5 यंग अफ्रीकन अमेरिकन्स को, जिन्हें एक रेप और मर्डर केस के लिए फॉल्सली अक्यूज्ड करके जेल में डाल दिया गया था। इस सीरीज के बारे में मैंने काफी आर्टिकल्स पढ़े, काफी वीडियोस देखी, अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड की, उनका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस तो है ही। ओवरऑल ये सीरीज देखना हर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा सैड, पेनफुल और इमोशनल एक्सपीरियंस है। बाकी इस सीरीज में सिर्फ 4 एपिसोड हैं, लेकिन भाई जो लास्ट एपिसोड है उसको देखते हुए मैं जितना इमोशनल हुआ हूँ आज से पहले कभी नहीं हुआ। बाय द वे एक ट्रू स्टोरी है, मैं आपको बता दूं तो उन 5 लोगों का जो स्ट्रगल है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है। तो अगर आप इजिली इमोशनल हो जाते हो तो इस सीरीज का जो लास्ट एपिसोड है वो अपने रिस्क पर देखना।